एंड एक्रीडेटेड ए बाय अगेन सो आज का जो वीडियो रहेगा वुड बी अ डिटेल्डी ऑन स्टूडेंट डिमांड क्योंकि निर्मा यूनिवर्सिटी के रिव्यू का वीडियो ऑलरेडी बन चुका है आई कीपिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर यू गाइज टू चेक इट आउट कंप्लीट डिटेल्स बीन प्रोवाइडेड ऑन टू वट आर द फीसर वॉट इज द एलिजिबिलिटी हाउ आर द्लेसमेंट इन आरियो सभी कुछ आपको उस वीडियो में मिल जाएगा आज का जो वीडियो है डी आई आई सी टी का अगेन आई बी फ्लैशिंग एंड ट्राइंग टू गिव यू ऑल द बेसिक आइडियाज फॉर द इंस्टीट्यूट एंड यू कैन टेक अ वाइज डिसीजन कि आपको इसमें लेना है नहीं लेना आर यू एलिजिबल और नॉट एंड वॉट आर द दर्क ठीक है तो स्टार्टिंग विद टूडे वीडियो ऑन टू डी ए आई आई सी टी देखो डी ए आई आई सी टी की खुद की एक स्कॉलरशिप भी है जिसके बारे में मैं बताऊंगी आफ्टर स्टेज ऑफ द वीडियो में जो कि आपको बेनिफिट रहेगा इन टू योर ट्यूशन फीस उस स्कॉलरशिप के बेसिस पे आई विल गिव यू द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ऑन टू दैट पहले बता दू डीएसी धीरूभा अंबाणी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज एक्रीडेटेड ए बाई नेक जिसमें तीन कोर्सेज बेसिकली ऑफर होते हैं इन टू योर बैचलर अंडर ग्रेजुएशन कोर्सेज जो मैं बता दू कौन से तीन कोर्सेज हैं पहला तो है बी टेक इंटू आई सी टी दैट इज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी द सेकेंड इज बी टेक इंटू आई सी टी माइनर विथ कंप्यूटेशनल साइंस एंड द थर्ड इज बी टेक एम एन सी दैट इज मैथमेटिक्स एंड कम्युनिकेशन ओके तीन बी टेक की डिग्री यहाँ पे ऑफर हो रही है आपको एंड इट इज समहा रिलेटेड टू ऑल कंप्यूटर साइंस सो ये तीन बेसिक डिग्रीज है जो ये लोग ऑफर कर रहे हैं अभी एडमिशन कैसे ले पाओगे इसमें आप दो देर आर थ्री बेसिक वेज ऑफ टेकिंग एडमिशन यू कैन ईदर टेक एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ जी मेन स्कोर ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एलिजिबल अगर आपका स्कोर सही है मैं बताती जाऊंगी क्या स्कोर रिक्वायर्ड होगा सेकेंड एंट्री यू कैन हैव इज विद कोटा एंड द थर्ड एंट्री यू कैन हैव विद गुड सेट का मार्क्स और स्कोर दैट इज थ्रू एसी पी सी ओके एसी पी सी इज एडमिशन कमिटी फॉर प्रोफेशनल कोर्सेज जो रन होगा वंस योर ट्वेल्थ एग्जाम इज ओवर ऑल द एंट्रेंस एग्जाम इज ओवर ये पूरा पोर्टल रन होगा जिसमें गुजरात स्टूडेंट्स आर एलिजिबल विद देयर गुड सेट एग्जाम स्कोर ओके जो कि एंट्रेंस एग्जाम रहती है एट द गुजरात लेवल फाइन सो ये तीन एंट्री पॉइंट्स है अगर मैं जी मेन्स के यहाँ पे बात कर लू अगर आप जी मेन्स के स्कोर के बेसिस पे आप यहाँ पे एंट्री ले रहे हैं तो जो पहला कोर्स है पहले मैं इंटेक्स बता दूं आपके कितने इंटेक्स रहेंगे जो पहला कोर्स है बीटेक आईसीटी का इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी उसमें 92 सीट्स हैं जो माइनर है विद कंप्यूटर एंड साइंस उसमें 42 सीट्स हैं एंड मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में है 18 सीट्स ओके दिस आर द नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व फॉर जी मेन कोटा ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कैन अप्लाई अगर आपका स्कोर

CNS में आपकी सीट्स रहेगी एंड मैथमेटिक्स कंप्यूटिंग में रहेगी सीट्स। ओके ऑन ऑन बेसिस बेसिस ऑफ़ ओनली फॉर गुजरात स्टूडेंट्स कौन से मार्क्स आपके कंसिडर्ड होंगे बोर्ड्स के फिफ्टी परसेंट गुडसेट एग्जाम के फिफ्टी परसेंट मिला के होंगे And आपकी जो रैंक बनेगी वो दो सौ से कम होनी चाहिए विद इन टू हंड्रेड टू गेट एडमिशन इन टू दिस पर्टिकुलर इंटेक्स इसके लिए भी चेक द एसी पीसीन चेक द वेबसाइट ए सीपीसी गेट योर सेल्फ रजिस्टर्ड एंड यू कैन अप्लाई ऑन द बेसिस ऑफ योर गुडसेट एंड बोर्ड एग्जाम स्कोर ठीक है तो ये है आपकी इनटेक की बात ऑन द बेसिस ऑफ गुडसेट कमिंग टू द फी स्ट्रक्चर नाउ द फी स्ट्रक्चर द मंथ्स का अगर मैं बता दूं एक सेमेस्टर का देन योर ट्यूशन फीस एटी सिक्स थाउजेंड रजिस्ट्रेशन फीस ट्वेंटी फाइव हंड्रेड हॉस्टल अकोमोडेशन फॉर सिक्स मंथ ट्वेंटी थ्री थाउजेंड एंड फूड बिल आपका रहेगा थर्टी थाउजेंड मिला के आपका कुछ हो जाएगा एक सेमेस्टर का वन लैख फोर्टी वन थाउजेंड समथिंग ओके अप्रोक्सीमेट वन लाख फोर्टी थाउजेंड आप गिन सकते हो अभी ये है सिक्स मंथ्स की फी जैसे कि इन द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो मैंने बताया था एक स्कॉलरशिप है जो खुद डी सिटी ऑफर करती है स्टूडेंट्स को दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द मैरिट दैट इज क्रिएटेड आफ्टर सेमेस्टर वन जैसे आपका सेम वन खत्म होता है उसका जो स्कोर रहेगा उसका मेरिट लिस्ट बनेगा उसमें स्टूडेंट्स विल बी ऑफर्ड स्कॉलरशिप जिनका नाम है जय जुलेलाल स्कॉलरशिप इस स्कॉलरशिप का बेनिफिट क्या रहेगा Have into 25% एक और क्राइटेरिया आपकी फैमिली इनकम जो है वो थर्टी लैख ,00 से कम होनी चाहिए ठीक है ये क्राइटेरिया पे आपको जय झूले स्कॉलरशिप यहाँ ऑफर की जाती है स्पेशली फॉर द डी आई ए इट इसके अलावा यू कैन ऑल्सो स्कॉलरशिप अप्लाइड जिसमें बन जाता है आपकी जो फी जो 11 लाख हो जाती है चार साल की मिला के उसमें आपको दो लाख कम हो जाएंगे इफ यू आर गेटिंग योर एम वाई एस वाई स्कॉलरशिप ओके उसका भी डिटेल वीडियो है कैसे मिलेगा आपका एन वाई एस वाई स्कॉरशिप आई मेक एल अटैच द लिंक इन दिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर यू गाइस टू चेक इट आउट फीस ज्यादा है मींस यू नीड टू हैव सम फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम आउटसाइड यू कैन ऑफर लाइक गेट अ स्कॉलरशिप इफ यू आर एलिजिबल ओके सो ये है स्ट्रक्चर एंड द द स्कॉलरशिप डिटेल्स नाउ प्लेसमेंट डिटेल कौन कौन सी कंपनीज आती है तो बेसिकली द ग्रेट कंपनीज लाइक माइक्रोसॉफ्ट गूगल फ्लिपकार्ट ओयो लिंकड इन स्प्रिंकलर उड़ान जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज यहाँ पे आती है फॉर द कैंपस इंटरव्यूज जैसी कंपनीज है वैसा पैकेज ऑफर होता है द हाइएस्ट पैकेज लास्ट ईयर हैज गॉन टू फिफ्टी टू लैक्स पर एन एम ग्रेट पैकेज एवरेज पैकेज भी बहुत अच्छा है सिक्सटीन पॉइंट सिक्स फोर लैक्स एवरेज पैकेज सो दिस इज द पैकेज सिनारियो ऑफ डी ए आई ए सी टी फॉर द लास्ट ईयर विच इज क्वाइट गुड एंड एप्सोल्यूटली यू कैन नॉट रिग्रेट योर सेल्फ इफ यू आर नॉट गेटिंग एडमिशन इन टू एन आई टी आई आई टी फॉर एनी सम रीजन यू कैन एब्सोटली ऑप्ट फॉर दिस पर्टिक्युलर इंस्टीट्यूट एंड Make your future bright. So, this was it about the City information. Hope the information is useful for you guys to, you know, clarify your thoughts on to where to take admission. Or bhi kisi university ke liye, information chahiye, do comment in the comment box. Or bhi koi doubt hai agar admission related. I am more than happy to help you guys with clearing all the doubts. See you in the next video really very soon. Bye-bye.